मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलितों पर अत्याचार करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां सरकारी हैंडपंप से पानी भरने से रोकने के लिए बदमाशों ने एक दलित परिवार को बेरहमी से पीट दिया। इस हमले में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने पर दलितों की जमकर मारपीट की गई। बूढ़ा गांव के कुछ दलित परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकारी हैंडपंप से पानी भर लिया तो दबंगों ने उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस पिटाई में 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरवाजे से बैठे थे कुछ पटेल समाज के लोग, तो अहिरवार समाज के लोग निकल रहे थे, उन लोग गाली वाली दी तो दोनों पक्षों ने फिर विवाद हुआ, फिर ईट वीट फेंके, दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, दोनों पक्षों की रिपोर्ट पे मुकदमा कायम है। सवाल ये है कि पानी और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं देश के हर आदमी तक कब तक पहुँचेगी? साथ ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव सरीखी समस्याओं से समाज को मुक्ति कब तक मिलेगी? मध्य प्रदेश में नर्मदा का पानी पीने योग्य शुद्ध पाया गया है। इतना शुद्ध कि बगैर फिल्टर के भी नर्मदा का पानी पिया जा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच में नर्मदा का पानी पूरी तरीके से शुद्ध पाया गया है। खास बात यह है कि नर्मदा के जल को बिना फिल्टर के भी पिया जा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जाँच में नर्मदा जल को ए ग्रेड दिया है। सीवरेज को नर्मदा में जाने से रोकने और पौधारोपण करने से साल भर में ही पानी की शुद्धता में खासा फर्क देखने को मिला है। गौरतलब है कि पानी की शुद्धता मापने के लिए 35 मानकों पर जांच की जाती है, जिसमें 5 ग्रेड तक गुणवत्ता मापी जाती है। 31 स्थानों पर नर्मदा के पानी की जांच करवाई गई थी। इसमें ओंकारेश्वर, अमरकंटक, जबलपुर, खलघाट और बड़वानी जैसे स्थान शामिल है, जहाँ से इसके सैंपल लिए गए थे।